जब आप फिजिकली पढ़ते हैं ना किसी टीचर से और जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उसमें बहुत फर्क है। फिर वो फेल हो जाएगा ना, फिर वो फेल होके फिर वो किससे तो पढ़ेगा ना। हाँ नहीं नहीं होगा, नहीं होता, पता है ना मुझे, जो जो आप क्लास पढ़ते हैं ना इस तरह उससे होता है, रिकॉर्डिंग से नहीं होता। रिकॉर्डिंग से कोई बहुत हाईली जीनियस बंदा हो ना सिर्फ वो कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिल गई है तो मैं उसको ऑर्गेनाइज वे में बैठ के देख ही नहीं सकता। ये जो थोड़ा थोड़ा काम होता जाता है जो बहुत सारा काम एक साथ हो आप कर ही नहीं सकते, होता नहीं है, मुझे हो ही नहीं सकता। लगा ले दिए मैं कभी नहीं लगाता क्योंकि मैंने 2-3 साल टीचिंग करके फिर कोई मैं प्रॉपर्टी डीलर या कुछ और बात सोचते हैं। दूसरा जो पैसे मुझे मिलने वो कहीं नहीं जाते, वो मुझे ही मिलेंगे, तो इतना मैं सेंसिटिव नहीं हूं। अच्छा जी जी कल वाला कंटिन्यू करते हैं। ये आपने बनाने 7 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल इक्वली स्पेस 7 मॉलिक्यूल। वैसे अगर मैं किसी बच्चे को खुद रिकॉर्डिंग्स ना दूं ना जो मेरे पास है तो मेरी ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्डिंग किसी को मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी रिकॉर्डिंग संभाल के रखना किसी बच्चे का काम नहीं है। अगर एक टीचर अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद मेंटेन करते हैं वो एक और बात है, वरना कोई बच्चा जो है ना जैसे इब्राहिम भी है तो ये रिकॉर्डिंग्स को इतना ऑर्गेनाइज करके संभाल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग किस ऑर्डर में देंगे तो काम होगा, कोई बच्चा जो है उसको तो समझ भी नहीं है। अपनी रिकॉर्डिंग अगर मैं खुद कट करूंगा और खुद सही करूंगा तो वो एक और बात है, वरना काम नहीं होता। अच्छा अब जी शुरू करते हैं। दूसरा, रिकॉर्डिंग से आपको फायदा भी मिलता है, नुकसान भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। फायदा पता है क्या मिलता है, आपकी रिकॉर्डिंग्स देख के भी बहुत बच्चे आपके पास आते हैं। अगर आप ये कहो ना कि हाँ, नुकसान ये मिलता है कि बच्चे कहते हैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो पढ़ने क्यों जाए। फायदा ये मिलता है कि रिकॉर्डिंग देखी हुई तो बच्चा आपको जानता है, आप कहते हैं कि इसके सर। हाँ तहरीन, डोंट यू थिंक रिकॉर्डिंग से ज्यादा फायदा नोट्स से होता है? इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा देखो, 7 मॉलिक्यूल्स है बेटा, एक ही चीज से फायदा होता है सर फारूक अब्दुल्ला को फीस जमा कराओ। अच्छा देखो ये है ना, मेरी फीस जमा कराओ ठीक है, फायदा रिकॉर्डिंग से होता है, नोट से होता है, वो तुम देखो, छोड़ो सारी बात। सर ये बताएं सुपरनोवा की फीस 7 से कम क्यों है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है समझा करो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, हमने भी तो घर चलाना है ना। अच्छा ये देखें, ये तो सुपरनोवा वालों ने नहीं चलाना। तो यार मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं जाके चेक करूंगा, मुझे अभी ना उनकी फीस पता है ना अपनी फीस पता है। सर मैं बता देती हूँ। नहीं यार, नहीं वो तुम्हें कंसेशन होगी, हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी जान पहचान होगी, तुम कंसेशन के साथ पढ़ रही हो बेटा। 6 से नीचे फीस ना दुनिया की किसी एकेडमी की इस्लामाबाद में नहीं है। 1 मिनट मैम, जीनत से तुम पढ़ती हो ना, उनकी फीस आई थिंक इतनी होगी जितनी असास की है, इतनी है ना। अच्छा किसी भी एकेडमी की फीस ना इस्लामाबाद में, तहरीन तुम्हारे पास गलत डेटा है, तुम्हारे बहन भाई रखा हुआ है, असल में तुम्हें जमा करवाने कौन गया, तुम्हारी कोई जान पहचान है, अदरवाइज इतनी फीस कहीं पे है वैसे नहीं होगी। इसका बड़ा भाई पढ़ी है, बड़ी बहनें पढ़ी है, इसकी पूरी फैमिली पढ़ी हुई है, ऊपर से आधा D12 ये ओन करती है, D12 के जो आधे प्लॉट है ना वो इसके हैं जी। फिर
फिर इसके अब्बू के साथ काम शाम भी पढ़ते रहते हैं, उनसे काफी काम मैंने भी करवाए हैं, कोई काम हो तो बंदा कॉल करे तो कर देते हैं, उनकी जान पहचान बहुत है, तो हो सकता है शायद इस वजह से ना इसको कंसेशन मिली हुई हो। अच्छा ये हो गया, तरीन तुम्हारा डेटा ठीक नहीं है बेटा जी, ये वाइब्रेट कर रहे। अच्छा अब यहां पे लिखो, अगर तुम कहती ना 6058 में फिर भी मान लेता, इतना कम नहीं होता मुझे पहले आप उसे 5800 का मतलब बताएं। 5800 का मतलब होता है 5800। अच्छा ये देखें, ये हो गया और ये हो गया। एक और चीज भी हो सकती है, उन्होंने गलती से तुम्हारा जो फॉर्म फिल किया था तो ये तो नहीं लिख लिया कि हमारे स्कूल का बच्चा है, हो सकता है। अब तुम दोबारा जाके चेक ना करना। अच्छा नहीं, अच्छा ये हो गया रियर फ्रैक्शन। ये मैं सर से फिर आज पूछूंगा। सर ये सुपरनोवा वाले इतने अच्छे नहीं है कि अपने स्कूल के बच्चों को कंसेशन देते हैं। ये हो गया, तेरी टेंशन ना लो, मैं इसकी फीस बढ़वाता हूँ अभी। सर मुझे क्या टेंशन है, मेरे अम्मा वाले फीस भरनी है। क्लास में थी उसको मैं कहता हूँ, जरा मैं कहता हूँ बच्चे ना थोड़ी ठगियां लगा रहे तुम्हें। अच्छा रियल फ्रैक्शन और ये है, मैं तो आजकल डेली 11 बजे वहां गया होता हूँ, मैं सर का डोर नॉक करके उनको कहता हूँ, मैं कहूंगा ये एक लड़की आपसे धोखा कर रही है। अच्छा ये देखो, मैं ऐसी ऐसी बातें लगाऊंगा ना उन्हें तुम्हारी फीस 10,000 कर देनी। अच्छा सर आज मुझे सजेशन दे देना, सर आमिर ने भी एक लाजमी दे दूंगा। अच्छा रियर फ्रैक्शन और ये कंप्रेशन, बेटा अब मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, इधर रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बस कल 11 बजे जाके मैं। अच्छा देखो अब आगे चलो, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा क्वेश्चन ये लिखें कि राइट द, बल्कि यूं करें मार्क, मार्क द, मार्क द करंट पोजीशन, मार्क द करंट पोजीशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स शोन। तो आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की करंट पोजीशन मार्क करनी है। चलो बेटा जी शाबाश। बच्चों जल्दी जल्दी पैसे खिलाने या मैसेज करूं, ये मैंने उनका नंबर निकाला हुआ, मैसेज करने लगा हूं, देख लो कुछ खिला पिला दो, फिर नहीं करना ठीक है। ये देख लो बीच अच्छा देखो रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, तो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, फिर आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन वाला जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे होगा, अपने सेंटर पे, बाकी मॉलिक्यूल रियर फ्रैक्शन से अवे जा चुके होंगे, ऐसे ही है ना, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, सबसे सेंटर वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। अच्छा फिर सिमिट्री होगी ना उस तरफ, जिस तरह मतलब ए बी सी डी ई किससे रिजेंबल करेगा, ई रिजेंबल करेगा सी के साथ, ई रिजेंबल करेगा सी के साथ, और फिर ये मॉलिक्यूल यहां पे। अच्छा अब ई और ये एफ हो गया और ये जी हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जीरो, जी का डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो,
ई और सी का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो देखें बी का डिस्प्लेसमेंट, ये बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए सी के डिस्प्लेसमेंट की, तो सी का डिस्प्लेसमेंट बी से क्या है, ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है डी का, और डी कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ई का डिस्प्लेसमेंट कितना, एफ का उससे कम। सर ई और सी का इक्वल होगा ना बेटा, सी का और ई का इक्वल होगा, हाँ ना, हाँ, और एफ का और बी का इक्वल होगा, समझे ये बात, डी ऑफ एफ भी उतना होगा, ये हो गए इनके डिस्प्लेसमेंट। सर आपने इस क्लास में आज वेव्स कितना करवा देंगे? बेटा मैं वेव्स काफी आगे करवा दूंगा। अच्छा बी पार्ट लिखें, अगर मैं लीव कर दूं तो मेरा कितना काम जाया होगा? बेटा अगर आप लीव करेंगी तो एक क्लास का काम जाया होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और ये ग्राफ बना हुआ है। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है ऊपर वाली साइड पे, यहां पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, ऊपर वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, और नीचे वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द सोर्स। अब ये कन्वेंशन हो गया ना, ऊपर वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, नीचे वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द सोर्स। अच्छा अवे फ्रॉम द सोर्स राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा? अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स होता है ओरिजिन, सोर्स होता है ओरिजिन। अब आप खुद सोचें अवे किस तरफ होगा, राहिम तुम बताओ राइट पे या लेफ्ट पे, जब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, राइट पे, और टुवर्ड्स द सोर्स लेफ्ट पे, वेरी गुड। तो अवे फ्रॉम द सोर्स होगा राइट पे और टुवर्ड्स द सोर्स होगा लेफ्ट पे, आगे बात समझ, क्योंकि सोर्स हम कहां पे लेते हैं, ओरिजिन पे, ये जो ओरिजिन है ये सोर्स है। अगर अवे का मतलब होगा राइट पे गया हुआ, टुवर्ड्स का मतलब है लेफ्ट पे गया हुआ, बात क्लियर? हाँ जी बच्चों आगे बात समझ। बी का फर्स्ट पार्ट लिखो, बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट लिखो, मार्क, मार्क ऑल द कंप्रेशंस। सर ये तो वो नहीं है ट्रांसवर्सल वेव, इसमें तो वो नहीं होंगे ट्रांसवर्सल क्रॉस, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे है, मैं इस पे मैंने लिख दिया ना लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, वो कन्वेंशन होता है। तो ये अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ है, ठीक है बच्चों, लिख लिया है ना। अच्छा मार्क ऑल द कंप्रेशंस एंड तहरीम जो होता है ना दूसरा ग्राफ ट्रांसवर्स वेव का, वो पिक्चर होती है, ये कन्वेंशन होता है। मार्क ऑल द कंप्रेशंस एंड रियर फ्रैक्शंस, क्या लिखा है जी हमने, मार्क ऑल द कंप्रेशंस एंड रियर, अगर ये कन्वेंशन होता है तो फिर ये हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, एग्जामिनर आपको बताएगा, एग्जामिनर आपको खुद बता देगा कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। लेकिन अगर वो बताएगा, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो ट्रांसवर्स, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल कहा हुआ तो फिर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन फिर कन्वेंशन दिया होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अवे, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स, आपने क्या बताना है कौन से कंप्रेशन है और कौन से रियर फ्रैक्शन है। अब आप मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव वाले को अवे कह रहे हैं या टुवर्ड्स कह रहे हैं, पॉजिटिव वाले को अवे कह रहे हैं और नेगेटिव वाले को टुवर्ड्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये अवे वाला है या टुवर्ड्स वाला है, बताओ, अवे वाला है। उधर देखें लिखा हुआ क्या है, पॉजिटिव वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें, ठीक है, और नेगेटिव वाले पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, नेगेटिव वाले पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द सोर्स। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द सोर्स।
नहीं, जो पॉजिटिव वाला है ये देखें, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन है किस तरफ राइट। पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स राइट, और नेगेटिव का क्या मतलब है? टुवर्ड्स लेफ्ट। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, फिर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे पार्टिकल जमा हो जाते हैं वो कंप्रेशन होता है या रियर फ्रैक्शन होता है? वो कंप्रेशन होता है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने पर्पल वाला डॉट लगाया हुआ है, इज इट कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन? इट इज कंप्रेशन, जमा हो रहा है। अब आ गई समझ? सर मैंने ठीक बताया था ना? हाँ बिल्कुल आपने ठीक बताया था। अच्छा अब आप ये बताएं कि पॉजिटिव वाला अवे है या टुवर्ड्स है? अवे। अब व्हाट डू यू थिंक, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये रियर फ्रैक्शन है, क्योंकि इससे अवे जा रहे हैं। अच्छा इसी तरह फिर ये नेगेटिव है तो ये किस तरफ होगा? टुवर्ड्स होगा ना। नेगेटिव है तो क्या होगा? इसका कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये फिर ये क्या बन जाएगा? दिस इज अगेन कंप्रेशन। अच्छा फिर यहां से मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर? रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन के बाद तो होगा ही रियर फ्रैक्शन ना। अच्छा अब ये बन गया फिर आपके पास, यहाँ पे ये रियर फ्रैक्शन है, तो रियर फ्रैक्शन के साथ वाला कौन सा होगा? तो ये किस तरह चलता है? कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ पर? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। मार्क ऑल द पॉइंट्स एट mean position, mark all the points with mean position of vibration with letter M. सवाल समझ आ गया? जो पॉइंट मीन पोजिशन पे उनको लेटर M के साथ आपने मार्क करना है। खुशी बेटा आप बताएं जरा कौन से पॉइंट है मीन पोजिशन पे? सर जिनकी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, देखिए मेरा सवाल समझे। मैं कह रहा हूँ विच पॉइंट्स आर एट मीन पोजीशन, द कंप्रेशंस एंड द रियर फ्रैक्शंस आर द मीन पोजीशंस, द कंप्रेशंस एंड द रियर फ्रैक्शन आर द मीन पोजीशंस। बेटा वो तो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन होते हैं ना मीन पोजीशन। सर लेकिन जो सबसे टॉप पे जिसकी डिस्प्लेसमेंट, वो मीन पोजीशन नहीं है, वो एम्पलीट्यूड होगा। बेटा वो एक्सट्रीम होता है, मीन पोजीशन कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। ओह सॉरी, हां सर एक्सट्रीम होता है। जी काल बेटा, मीन पोजीशन पे क्या होता है? कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। नंबर 3 लिखो। मार्क द पॉइंट्स व्हिच आर mark the points which are still at the given instant with letter S. आपको जो पॉइंट लगते हैं कि स्टिल है, रुके हुए, उनको ये शुरू वाला और लास्ट वाला बेटा स्टिल पॉइंट्स होते हैं जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होते हैं। कौन से स्टिल पॉइंट्स कौन से होते हैं जो कहां पे होते हैं? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। सर कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टिल पे पोजीशन में नहीं होगा। कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन होता है मीन पोजीशन, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग पॉइंट। बेटा जो मीन पोजीशन होती है वो तो सबसे तेज होती है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वो रुकी हुई होती है। किसी भी वाइब्रेशन का जो एक्सट्रीम होता है वहां पे रुकता है। तो ये देखें, ये आपके हो गए। खुशी बेटा रुका हुआ पॉइंट कौन सा होता है? जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये स्टिल। वी आर डन विद दैट। अब इसके आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने किया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ ट्रांसवर्स वेव एंड फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अभी आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिखें अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ये बेटा आप बताएं सर, जब हमारे पास एक पेंडुलम होता है और वो बस स्टिल हो, हमने उसे हाथ वगैरह ना लगाया हो, पुल ना किया हो, तो उसको उसकी मीन पोजीशन ही बोलेंगे। हाँ, उसको मीन पोजीशन ही बोलेंगे। ये जो हम कहते हैं ना स्टिल पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, ये मूवमेंट के बाद है वो, फिर वाइब्रेटिंग नहीं है, वाइब्रेशन के बाद की बात हो रही है, ठीक है ना? ओके सर, ये फॉर अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। बेटा वो कह रही है कि जो एक रुका हुआ पेंडुलम होता है वो भी तो स्टिल होता है ना, तो उसकी बात नहीं हो रही जब वो वाइब्रेशन में हो। जब वो वाइब्रेशन में होगा तब कहाँ रुकेगा, तब वो रुकेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, अब आप लिखेंगे बेटा जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपने क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख दिया तो आगे बात करते हैं। लिख दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका आप लिखें कि अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अ डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों के लिए, अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट to represent a single vibration. A displacement time graph represents a single vibration. It can be agar possibilities ki baat ki jaye, it can be number one an oscillating pendulum. लाजमी नहीं कि ये वेव हो, ये एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम का ग्राफ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑसिलेटिंग पेंडुलम, इट कैन बी वर्टिकल वाइब्रेशन ऑन अ ट्रांसवर्स वेव, वर्टिकल वाइब्रेशन ऑन अ ट्रांसवर्स वेव, या नंबर थ्री इट कैन बी हॉरिजेंटल। तो ये एक सिंगल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये एक ट्रांसवर्स वेव का वर्टिकली वाइब्रेटिंग पॉइंट हो सकता है, या हॉरिजेंटल। तो इन सब के लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं। हॉरिजेंटल वाइब्रेशन ऑन अ हॉरिजेंटल वाइब्रेशन ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। So all the possibilities are there. So all the possibilities are there. क्या क्या possibilities हैं? ये क्या हो सकता है? An oscillating pendulum. It can be vertical vibration on a transverse wave, या फिर horizontal vibration on a longitudinal wave. सबका displacement time graph बन सकता है. Copy हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब जो बात है, अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या बता रहा है, क्या चीज है? तो एक ग्राफ बनाते हैं फिर उसकी डिस्कशन करते हैं। वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, और आपको ये ग्राफ बना के दिया हुआ है। Now the question is, ये पार्टिकल राइट पे मूव कर रहा है या अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है? जब टाइम के साथ ग्राफ होता है तो पार्टिकल राइट पे मूव नहीं कर रहा होता, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। The particle is not moving towards right or towards left. It is vibration at its position but represented with time. For example, ये जो पोजिशन है A, ये है जो पोजिशन A। अब ए से जब हम बी पे पहुंचे हैं, क्या पार्टिकल एक्चुअली राइट पे गया है या पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है? ए से बी पार्टिकल अपनी जगह पे बस ऊपर गया है, ये हमने उसको टाइम के साथ स्केल किया हुआ है टी बाई फोर, मतलब जीरो सेकंड पे ये यहां पे था और अपनी उसी जगह पे ऊपर चला गया टी बाई फोर पे। ये ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है, लेकिन एक सिंगल वाइब्रेशन है, ये वेव है ही नहीं। It's not a wave, it's one vibration.
इट्स अ सिंगल वाइब्रेटिंग पार्टिकल, टाइम के साथ ग्राफ है ना, तो ये है ही एक पार्टिकल, एक पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स पे कहां पे है, एक पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स पे कहां पे है, टी बाई फोर पे वो पार्टिकल कहां पे चला गया, एक्सट्रीम पोजिशन पे, फिर टू टी बाई फोर पे, ये दूसरा पार्टिकल नहीं है, ये वही पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे, ऊपर नीचे जा रहे, ये अब बी से हम पहुंचे फर्ज करें सी पे, तो ये नहीं कि पार्टिकल राइट पे चला गया, वही वाला पार्टिकल कहां पे आ गया, पोजीशन सी पे आ गया, बेटा आप समझ आ रही है, वही वाला पार्टिकल बी से कहां पे आ गया, सी पे आ गया, टी बाई फोर लिखते हैं क्योंकि टाइम पीरियड होता है यहां तक, ये वन वाइब्रेशन है तो उसका मतलब है क्वार्टर वाइब्रेशन, क्वार्टर टी बाई फोर होता है, ये टू टी बाई फोर, हर क्वार्टर वाइब्रेशन टी बाई फोर होता है। अब सी से हम चले गए डी पे, डी कौन सी जगह है, लोअर एक्सट्रीम, तो ए टू बी इट्स क्वार्टर वाइब्रेशन, मीन टू एक्सट्रीम इट्स क्वार्टर वाइब्रेशन, क्वार्टर, वन क्वार्टर, टू क्वार्टर, थ्री क्वार्टर, फोर क्वार्टर, ठीक है। अब ये कहां पे पहुंच गया, लोअर एक्सट्रीम पे, उसको हम कहेंगे डी। अब डी वाली जो पोजीशन है वो राइट पे नहीं है, अपनी ही जगह पे वो नीचे पहुंच चुका है, और फिर वो डी से कहां पे पहुंचा, ई पे पहुंचा। अब ई कहां पे होगा, ई होगा वापस इधर पहुंचेगा, हाँ भाई रहीम आइए समझ, और ये क्या हो जाएगा, 4t/4, सो वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। सो दिस ड्रॉइंग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वाइब्रेटिंग पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और उसके ऊपर पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, तो आप कहेंगे दीज पॉइंट्स आर पोजीशंस ऑफ वन पार्टिकल, दे आर नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसे अगर वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम, और आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है ये वाला, आप क्या कहेंगे, दिस इज अ वेव और वाइब्रेशन ऑफ वन पार्टिकल, दिस इज वाइब्रेशन ऑफ वन पार्टिकल, और अगर इसकी पोजीशंस हाईलाइट की हुई है, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी, पोजीशन ई, पोजीशन एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, व्हाट इज दिस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आर दे इंडिविजुअल पार्टिकल्स और पोजीशंस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, मल्टीपल पोजीशंस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम्स, मल्टीपल पोजीशंस ऑफ, हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर मल्टीपल positions are multiple positions of a single particle. समझ आती है या ऊपर से गया? They are multiple positions of a single particle. और at different. बेटा आप बताएं. यानी A vibrate करके B बनना था, फिर वो ही vibrate करके C बना था. और बी दो डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं है, ए ही बी बना था, बी ही सी बना था, सी पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा अब सवाल एक और है, ए वाली पोजीशन गिवन इंस्टेंट पे, तब बी बने। अच्छा अब जो है सर, एक और सॉरी बताएं सर, हमने तो बोला था कि जो आगे वाला पार्टिकल होता है उसके पीछे वाला उसका फ्यूचर होता है, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, आप थोड़ा सा रोकें, बस थोड़ा सा रोकें। ओके सर। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन, उसका जवाब मैं आपको खुद दे दूंगा, थोड़ा सा रोकें बस। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, फर्ज करें मैं कहता हूं ए, आला बेटा ए किस तरह वाइब्रेट कर रहा है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, लेकिन पहले तो हम इसको डाउनवर्ड्स कहते थे, अब अपवर्ड्स कैसे हो गया? नहीं तो डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखें थोड़ा सा रोकें।
फर्ज करें ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर एथलीट्स रेस कर रहे हैं, रनिंग एथलीट्स, ठीक है, मुझे एथलीट्स के स्पेलिंग भी नहीं आते, खैर रनिंग एथलीट्स, तीन एथलीट्स हैं ए बी और सी, और ये इनके है डिस्टेंस जो ये कवर कर रहे हैं, रुक जाए बोले नहीं, ये ए बी और सी तीन एथलीट्स हैं और ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इनमें से यहां पे जो पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। साल बेटा ये सिचुएशन समझ आ गई, ए बी और सी तीन एथलीट्स हैं और तीनों की स्पीड है, फर्ज करें ये जा रहे 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रहे 20 मीटर पर सेकंड से, तो इनमें से कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से एक एथलीट पहुंचा, इनमें से एक एथलीट पहुंचा 9 बजे, इनमें से एक एथलीट पहुंचा 9 बजे, एक एथलीट पहुंचा 10 बजे, एक एथलीट पहुंचा 11 बजे। खुशी बेटा आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, सी बी और ए में से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, उसके बाद कौन पहुंचेगा? बी, उसके बाद ए। आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब डिस्टेंस के एक्सेस से टाइम के एक्सेस पे जाते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, खुद ही देखो, डिस्टेंस वाइज जो सबसे आगे होता है टाइम वाइज वो सबसे अर्ली होता है, ऐसे ही है ना, इसका मतलब है डिस्टेंस वाइज जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। दिस इज नॉट ओनली फॉर द ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रिंसिपल्स। जैसे डिस्टेंस वाले एक्सेस पे फ्यूचर होता है पीछे, तो टाइम वाले एक्सेस पे फ्यूचर आगे होगा, जिस तरह ये अभी वो तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से नहीं है बेटा, नहीं नहीं किसी चीज, ये जो मैंने अभी आपको चीज सिखाई है इसकी वजह से, डिस्टेंस वाइज जो सबसे आगे होता है टाइम वाइज वो सबसे अर्ली पहुंचता है। मेरी बात अब समझ आ रही है आपको? देखें सी सबसे आगे था तो टाइम वाइज वो सबसे अर्ली नहीं पहुंचेगा, तो सी जो भी काम सी सबसे आगे है तो वो हर सिटी को हर टाउन को सबसे अर्ली टच करेगा ना, तो टाइम के एक्सेस पे सबसे लीडिंग कौन होगा? सी होगा। तो देखें डिस्टेंस वाइज अगर सी लीडिंग है तो टाइम के एक्सेस पे सी कहां पे आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब अगर हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो ये देखें अगर डिस्टेंस का एक्सेस है और अगर है टाइम का एक्सेस, ठीक है, तो डिस्टेंस के एक्सेस पे जब आपको कोई ग्राफ गिवन होता है और उस पर एक पॉइंट गिवन होता है पॉइंट पी, तो आप कहते हैं ये पॉइंट पी का है फ्यूचर, आप कहते हैं ये पॉइंट पी का क्या है फ्यूचर, और आगे वाले को क्या कहते हैं पॉइंट पी का, इसको आप कहते हैं पास्ट। अब जरा इधर आ जाएं, अगर हम यही टाइम के एक्सेस पे करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हुआ या नहीं हुआ? जो ए बी सी था वो क्या हो गया? सी ए बी। आप खुद देखें सी ए सी बी ए हो गया ना, तो अब की बार पास्ट होगा पीछे वाला क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, और फ्यूचर किस तरफ होगा? तो बस इस बात को रट लो, टाइम के एक्सिस पे फ्यूचर होता है आगे, डिस्टेंस के एक्सिस पे फ्यूचर होता है पीछे, तो डिस्टेंस वाले ग्राफ में हम पीछे वाले को फॉलो करते हैं, टाइम वाले ग्राफ में हम आगे वाले को फॉलो करते हैं। रीजन आपके सामने ऑब्वियस है, इससे अच्छी एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। जो एथलीट आगे था वो टाइम वाइज अर्ली पहुंचे। डन? खुशी बेटा आप थोड़ी बहुत समझ आ गई बात? जी सर आगे समझ। टूल इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, टाइम के एक्सिस पे हम पीछे वाले को फॉलो नहीं करते आगे वाले को करते हैं। हाँ, डिस्टेंस वाले में जब हम वेव्स की बात करते हैं तो ए ने बी से गुजरना है, बी की जो स्टेट है उस स्टेट से सी ने गुजरना है या ए ने गुजरना है, फिर तो मतलब ए जो है वो बी बनेगा, ए ने बी बनना है, तो बी वाली जगह पे ए ने आना है, हाँ, तो फ्यूचर पीछे, पीछे। पीछे।
ए ने बी बनना है, सी सी कब का बी बन चुका है, सी बी बन के जा चुका है। अब देखें ना मेरी बात सुने, अब आप बस सिंपल सा काम करें, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। डिस्टेंस में फ्यूचर होता है पीछे, टाइम में फ्यूचर होता है आगे, ठीक है, सिंपल। तो अब डिस्टेंस वाले ग्राफ में कोई पार्टिकल किधर जाएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, पीछे वाले को देख के या आगे वाले को देख के? तो टाइम वाले पे आगे देखेंगे, डिस्टेंस वाले पे पीछे देखेंगे। तो ए किधर जा रहा है? ऊपर, क्योंकि टाइम वाला एक्सेस है। तो आपने डिसाइड करते हुए पहले देखना है कि एक्सेस कौन सा है, जब टाइम का एक्सेस होगा फिर हम आगे देखा करेंगे, ठीक है। अच्छा, बी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। सी क्या है? स्टिल है। डी किधर जा रहा है? नीचे। ई नीचे जा रहे हैं लेकिन तेज भी है। मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जाएंगे पार्टिकल तेज होते जाएंगे, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जाएंगे पार्टिकल तेज होते जाएंगे। एफ किधर जा रहे हैं? नीचे, लेकिन स्लो है। एच किधर जा रहे हैं? ऊपर, लेकिन स्लो होगा थोड़ा सा। आई जो है वो फास्ट होगा। तो मीन पोजीशन में जो पार्टिकल है वो सबसे फास्ट होगा। और ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? इनकी वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ डी, वेलोसिटी ऑफ एफ, वेलोसिटी ऑफ एच, वेलोसिटी ऑफ आई। आती है समझ? अब मैं एक सवाल पूछता हूं जिसमें टाइम वाला ग्राफ और डिस्टेंस वाला ग्राफ मैं साइड बाय साइड दूंगा और फिर आपसे पूछूंगा। यहां तक थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, अब आगे मूव करते हैं। तो टाइम वाले ग्राफ पे होती है सिंगल वाइब्रेशन, डिस्टेंस वाले ग्राफ पे होता है, एक काम करें क्वेश्चन लिखें, नहीं नहीं वो मैं आपको बताता हूं क्या करना। आप तलहा के नोट्स तो नहीं पढ़ती? नहीं। मुझे लग रहा है आपको आगे का पता है ना, तो आला आपको आगे का कैसे पता है? नहीं, जो मैंने अगला टॉपिक पढ़ाना है वो आपको पहले से पता है? नहीं, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो आप बता रही है वो नोट्स पढ़े बगैर नहीं पता हो सकता, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद वैसे तल्हा ने नोट्स बनाए हुए हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है है ना, ये भी एक सवाल है। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो ये भी एक ग्राफ है जो बना हुआ है पहले से। इसको कह दें फिगर वन, इसको कह दें फिगर टू। क्वेश्चन का ए पार्ट, विच वन इज नंबर वन, विच वन इज अ वेव, क्या कहोगे? इज अ वेव, यस, फिगर वन, सही है। खुशी बेटा सवाल समझ आ गया कि इनमें से कोई एक वेव है तो कौन सी वेव है? फिगर वन। नंबर टू, विच वन इज एन ऑसिलेशन, विच वन इज एन इंडिविजुअल ऑसिलेशन, इंडिविजुअल ऑसिलेशन वो कौन सी है? फिगर टू। राहिम, अब ये फर्क समझ आ गया कि जो डिस्टेंस वाला ग्राफ होता है वो वेव की पिक्चर होता है और जो टाइम वाला ग्राफ होता है वो सिंगल ऑसिलेशन होता है। डन। उसके बाद आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में यहां पे एक पार्टिकल पी दिखाया हुआ है और यहां पे एक पार्टिकल क्यू दिखाया हुआ है। व्हाट इज द direction of, what is the direction of vibration of P
एंड क्यू एट द गिवन इंस्टेंट। आला बेटा सवाल समझ आ गया? गिवन इंस्टेंट पे पी और क्यू की डायरेक्शन किस तरफ है बताएं फिर। डायरेक्शन नहीं, पीछे नहीं होगी, पीछे को फॉलो करेंगे। तो पी या तो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, देखें वाइब्रेशन तो वर्टिकल ये ठीक है, ये है जी पी की वेलोसिटी जो के ऊपर की तरफ डायरेक्शन। तो क्यों नीचे आएगा, क्यों का बताएं नीचे। खुशी बेटा आ गई समझ? दोनों में पता बी तक आ गई समझ। सी पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे विच ऑफ पी और क्यू विल रिटर्न टू द सेम पोजिशन अर्लियर। बेटा थोड़ा सा और ज्यादा सोच लें, अच्छा सोचें पी ने कहां से वापस आना है, क्यू ने कहां से वापस आना है। तो पी ज्यादा जल्दी कौन वापस आएगा, पी या क्यू? देखें पी ने कितना ट्रेवल करना है, क्यू ने कितना ट्रेवल करना है। क्यू ने लोअर एक्सट्रीम से वापस आना है और पी ने अपर एक्सट्रीम से वापस आना है। मेरी बात सुने, ये दोनों पार्टिकल जब अपनी पोजीशन पे रिटर्न करेंगे, क्यू ने कहां से वापस आना है, क्यू जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, लोअर एक्सट्रीम की तरफ ना, और पी किस तरफ जा रहे हैं, अपर एक्सट्रीम की तरफ। तो पी कहां से रिटर्न करेगा, अपर एक्सट्रीम से ना, और क्यू कहां से रिटर्न करेगा, तो ज्यादा किसको ट्रेवल करना पड़ेगा वापस आने के लिए, क्यू क्यू और क्यू भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। नहीं, क्यू भी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे, वाइब्रेट तो अपनी जगह पे कर रहे हैं ना बेटा। ये हम टाइम के साथ जो ग्राफ बनाते हैं, पार्टिकल आगे पीछे तो नहीं जा रहा, वो तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्यू वाली जगह पे वापस आने के लिए ये जब इधर होगा ना, वो क्यू उसी जगह पे, ठीक है, तो कितना नीचे जाके वापस आएगा, लोअर एक्सट्रीम से, उसने अपर एक्सट्रीम से, तो ज्यादा जल्दी कौन वापस आएगा, पी या क्यू? तो P has to travel, P has to travel less, so it will return earlier. P जो है इसने कम travel करना है तो ये जल्दी आ जाएगा। डन या कोई confusion है? चलें जी इसके आगे फिर हम कल continue करते हैं। टेक केयर बच्चों, हाँ ट्रफ से होके वापस आएगा ना। हम देख रहे हैं कि जो क्यू है ना, उसने यहां से वापस आना है, पी ने यहां से वापस आना है, तो करीब वाली जगह से किसने वापस आना है, पी ने या क्यू ने? पी ने, तो पी जल्दी वापस आ जाएगा ना, और क्यू जो है नीचे जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, फिर वहां से वापस आएगा। दोनों अभी तो एक जगह पे है ना, एक ने अपर एक्सट्रीम से रिटर्न करना है, एक ने लोअर एक्सट्रीम से। जिसने लोअर एक्सट्रीम से रिटर्न करना है वो ज्यादा दूर से रिटर्न करेगा ना। खुशी बेटा आ गई समझ? चलो बच्चों टेक केयर, खुदा।